नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अगर आप रक्षा मामलों के जानकारों और समाज शास्त्रियों से मिलेंगे और उनसे दुनिया के बारे में सिर्फ दो सवाल पूछेंगे, पहला कि दुनिया भर के देश इतने खतरनाक हथियार क्यों बना रहे हैं और दूसरा देश इतने खतरनाक हथियार क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, तो दोनों विद्वानों का एक ही जवाब होगा और वो जवाब है कि इंसान अपने लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। ठीक इसी तरह अमेरिका और रूस एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं और आपस में एक दूसरे से फाइट भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए रूस ने एक नए और खतरनाक मिसाइल विकसित करने का काम किया है। ये कितना सही और कितना गलत है यह अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और इसको लेकर रूस के दुश्मन देशों और पश्चिमी देशों की रातों की नींद हराम हो गई। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस एक ऐसी परमाणु मिसाइल को बनाने पर काम कर रहा है जो हवा में हमेशा उड़ती रहेगी। इसके लिए दूरी सीमा कोई बाधा नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये कितनी भी दूरी तक मार करने के लिए जा सकेगी और इसे मार गिराना आसान नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहले जितने समय में इस मिसाइल का विकास माना जा रहा था, रूस उससे भी कम समय में इसे तैयार कर लेगा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि परमाणु से चलने वाला बुरे वेस्टनिक सुपर पावर हथियार अगले 6 साल में युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है जिसके अनुसार इस मिसाइल को स्काई फॉल के नाम से भी जाना जा रहा है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चलें कि ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले महीने व्हाइट सी में मिसाइल टेस्ट के दौरान धमाका हो गया था जिसके रेडिएशन की वजह से कम 5 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि वो घटना बुरे वेस्टनिक मिसाइल से जुड़ी हुई थी, लेकिन वहीं कई विशेषज्ञों की माने तो ये खबर अफवाह है, लेकिन क्रेमलिन ने सच का खुलासा करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने असीमित दूरी वाली स्काई फॉल को टेस्ट करने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। इन असफलताओं के बावजूद सूत्रों की माने तो इस मिसाइल के बनने के समय में काफी तेजी देखी जा रही है और ये पहले से कम समय में युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो नवंबर 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच 4 बार इसका परीक्षण किया जा चुका है और साल 2019 की शुरुआत में भी इसका परीक्षण किया गया था, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। लेकिन रूस ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि हथियार की न्यूक्लियर पावर यूनिट ने सफलतापूर्वक परीक्षण को पूरा किया था। वहीं सूत्रों का दावा है कि इस दौरान मिसाइल की असीमित दूरी की मारक क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रिएक्टर ने सही से काम किया था। इस मिसाइल के बारे में माना जा रहा है कि ये निचले स्तर पर उड़ान भरने में सक्षम क्रूज मिसाइल होगी जिसके बारे में पता करना आसान नहीं होगा और साथ ही साथ ये मौजूदा पश्चिमी हवाई रक्षा प्रणालियों को भेद देगी और पूरी दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकेगी। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि ये असीमित दूरी तक जा सकती है और इस मिसाइल को मार गिराना संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक का दूसरा जानी दुश्मन अगर रूस के बारे में कुछ कह रहा है तो ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन अगर अमेरिकी थिंक टैंक डर रहा है तो समझिए रूस ने कमाल की मिसाइल इजाद कर ली है।